so bright. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिज़्ज़ो ईमान में रखे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप लोगों की मुझे इतना लाइक और पसंद करने की। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। तो जी आज हम जो काम कर रहे हैं, जी आज हम एक बेस बनाएंगे 45 और ST लंदन की बेज की। तो आपको आई होप कि ये ट्यूटोरियल बहुत पसंद आएगा। ये देखें, हमारे पास 45 बेस है जी। इससे हम जो हैं वो अपनी क्लाइंट की बेस बनाएंगे। आपको सबसे पहले हम अपनी जब बेस बनाते हैं तो इसमें सबसे बड़ी हमें जो होता है कलर करेक्टर को सिलेक्ट करना होता है। एक अच्छा कलर करेक्टर यानी कि जो स्किन होती है उसके ट्यून के मुताबिक। तो मुझे इसको थोड़ी सी फेयर लुक चाहिए थी, तो मैंने 45 को, और मैं कंसीलिंग वगैरह कुछ नहीं करी क्योंकि ये एक यंग फेस है, ठीक है। यानी कि इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लुक चाहिए, तो मैं इसको सॉफ्ट लुक ही दूंगी। सॉफ्ट सी बेस बनाएंगे आज 45 के साथ, और ये ST लंदन की बेज की जो ST लंदन का बेज शेड है इसके साथ। देखे मेरा स्पंज भी बहुत ज़्यादा, मैं टैपिंग बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, ठीक है। आप देख लो, आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये देखो ये टैपिंग जो है इसकी जो है टैपिंग, जितनी अच्छी टैपिंग करेंगे आप लोग उतना ही ज़्यादा जो है आप लोगों की बेस अच्छी तरह से ब्लेंडिंग, मतलब कि देखिए टैप करना, ब्लेंड करना, मैं उसको मल नहीं रही हूँ, मैं उसको टैप कर रही हूँ, उसको ब्लेंड कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें आप, मैं उसको अच्छी तरह से हर तरफ से ब्लेंड कर रही हूँ। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतनी ही अच्छी आपकी बेस होगी। तो आप अपनी बेस में फोकस रखा करें ब्लेंडिंग को। आप जितनी अच्छी ब्लेंडिंग करेंगे, ठीक है, उतना ही अच्छी आपकी बेस होगी। तो आज का ट्यूटोरियल जस्ट बेस के हवाले से था, ठीक है। ये जस्ट मैंने एक यंग फेस यानी कि जो यंग लड़की की बेस होती है मैंने वो बनाई है। तो आप देख सकते हैं इसकी ये बेस, देखें आपको पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा। अपने आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।